परवीर परवीर बेटा क्या हुआ बेटा आखिर ये कौन है जो रात के अंधेरे में यूं सरपट दौड़े जा रहा है? आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि इसकी आंखों से निकलने वाला आंसुओं का सैलाब थमने का नाम ही नहीं लेता? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर मुआजरा है क्या। अबे हाथ तेज चला लिया कर। अरे सरफराज भाई, आप शब्बीर भाई कहाँ हैं? वो अब नहीं होता यहाँ पे। अपनी दुकान ले ली मैंने उससे। ये दुकान आपकी थी? थी नहीं। अबे है भाई, क्या हो गया गाड़ी को? पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, स्टार्ट नहीं हो रही। उमर देख, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही भाई की? जी अब्बू। सरफराज भाई, ये क्या हरकत है? मेरी इजाजत के बगैर तुमने ये दुकान खोली कैसे? अबे ताले तोड़कर खोली है। तू ये शायद भूल रहा है, ये दुकान अब तेरी नहीं, मेरी है। चल निकल यहाँ से। ये दुकान तुम्हारी जरूर है, लेकिन कारोबार मेरा है, किराए देता हूँ किराया। निकले बाहर यहाँ से। अबे हल्का आ जा हल्का, इस पूरे मोहल्ले में तू अकेला मैकेनिक नहीं है, मुझे भी काम आता है और तुझसे ज्यादा अच्छा आता है। चल निकल इधर से। अगर इतना अच्छा काम आ रहा होता ना तो पहले जमा लेते। 12 साल मैंने मेहनत की है और 12 साल की मेहनत के फल पर मेरा और मेरे घर वालों का है। इतनी आसानी से हथियार नहीं दूंगा मैं। निकल इधर से। बाहर तो बेटा अब तेरा निकलने का वक्त आ गया है। ये दुकान अब मेरी है और मुझे यहाँ से अब कोई नहीं निकाल सकता। चल निकल इधर से। तुम क्या समझते हो, 12 साल की मेहनत के जमे जमाए कारोबार को इतनी आसानी से हथियार हो गए? निकलो यहाँ से, चलो। अबे अबे दिमाग खराब हो गया तेरा, चलो निकल यहाँ से। अबे ओ छोड़ मेरे अब्बू को। हट बे सबोलिए, वरना तुझे मसल दूंगा मैं। तू हट जा बेटा, इसके लिए तो मैं अकेला ही। अरे क्या काफी है, क्या काफी है ये? हट जा, हट यहाँ से, हट जा, हट यहाँ से, ऐसे नहीं करने दूंगा मैं। हट जा ऐसे, हाँ, हट जा, हट यहाँ से, हट, छोड़ जा, छोड़, छोड़। अच्छा ना, कोई बात नहीं, आप जाएं जाकर नहाकर कपड़े बदल लें, मैं दूध गर्म करके उसमें हल्दी डालकर लाती हूँ, वो पियेंगे ना तो दर्द में कुछ कमी महसूस होगी आपको। अरे अब दफा भी करें ना, जो होना था हो गया, अल्लाह पूछेगा उन्हें। अल्लाह जब पूछेगा ना तब पूछेगा, पहले पहले मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। क्या करेंगे आप? लड़ेंगे उन लोगों के साथ, मार पिटाई करेंगे? अरे आप नहीं जानते, वो लोग बड़े फड्डेबाज हैं, उनका काम ही दुनिया भर से लड़ाई झगड़े करना है। तो क्या करूं, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं, अपनी सालों की मेहनत का फल किसी और को खाने दूं? नहीं, इतनी आसानी से मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं भी देखता हूं कि कैसे छीनता हुआ मेरा कारोबार। और कैसे छीनेंगे, छीन ही तो लिया है। नहीं माँ बेगम, मेरा नाम शब्बीर है, शब्बीर, और गलत बात के आगे सर झुकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखना कि मैं क्या करता हूं उसके साथ। भाई की बाइक। यार भाई आज घर पे नहीं है, दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए। काम कर देना तुम, मेरे साथ घर में खड़ी कर दे ये बाइक प्लीज। चल बे, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना, तुझे रोज कॉलेज ले जाता हूँ, वापस ले आता हूँ, यही बहुत है, बाकी तू जाने और तेरे भाई। यार प्लीज तनवीर, थोड़ी हेल्प कर देना, वरना देख ले मैं तेरे अब्बू को जाकर बता दूंगी कि तू रोजाना मुझे बाइक पर कॉलेज लेकर जाती है। अच्छा तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? अबे नहीं यार, पागल है क्या, मजाक कर रही।
यार तनवीर प्लीज कर देना मेरी हेल्प। चल बेटा तू भी क्या याद करेगी, चल पकड़ दरवाजा खोल जा। वालेकुम अस्सलाम। आइया मेरा बेटा। जीती रहो, जाओ जल्दी से जाके कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। अब्बू आ जाए, उनके साथ ही खाऊंगा खाना। अरे बेटा हो सकता है कि तुम्हारे अब्बू को आने में देर हो जाए, तू खाना खा ले। क्यों, क्या बोल कर गए थे दुकान पर काम ज्यादा है? नहीं भाई, वो तो सुबह ही दुकान से वापस आ गए। क्यों, क्या हुआ अम्मी, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या हुआ अम्मी, आपका मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं बेटा, अब मैं क्या बताऊं तुझे, दुकान के मालिक ने तुम्हारे अब्बू से दुकान वापस ले ली। अरे बड़ी हाथापाई हुई है तुम्हारे अब्बा के साथ। क्या, उसने अब्बू पे हाथ उठाया? उसको तो मैं अभी जाकर बताता हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही है, तू पागल तो नहीं हो गई है, है? जा चुप करके बैठी रहे, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है तुझे, है? बात बिगाड़ने लगी, जो होना था सो हो गया। अगर तू लड़कों की तरह बात करती है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तू लड़का है, समझे? लड़की है तू, लड़की। जा जाकर यूनिफॉर्म बदल, मैं खाना लेकर आती हूँ। मैंने कहा ना मैं नहीं खा रहा, तुमने खाना है तो खा लो। तनवीर शब्बीर की इकलौती बेटी है जिसे उसने बेटी नहीं बल्कि बेटे की तरह पाला है। ये अलग बात है कि उसने घर की तमाम जिम्मेदारी अपने ही कंधों पर रखी, लेकिन अब शब्बीर का कारोबार उसके हाथ से निकल रहा है, तो क्या ऐसे में वो अपनी बेटी से मदद मांगेगा या फिर कोई और रास्ता ढूंढेगा? यार वो तो है ऐसी टाइप का आदमी, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, इतने लंबे अरसे उसने सब्र कैसे कर लिया? यार क्या कह सकता हूँ मैं, मैंने 11 महीने का एग्रीमेंट किया था, फिर मैंने 2-3 साल का एग्रीमेंट कर लिया, सब कुछ सही चल रहा था तो मैंने 10 साल का एग्रीमेंट कर लिया। शुरू शुरू के 2-3 साल तो बस गुजारा हो जाता था, उसके बाद कस्टमर बढ़ते गए, काम भी बढ़ गया। इसका मतलब है तेरा एग्रीमेंट खत्म होने में 2-3 साल बाकी है? नहीं, 2-3 साल नहीं है, कुछ महीने। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एग्रीमेंट खत्म होने में अभी कुछ महीने बाकी है। यार अगर ऐसा है ना तो किसी का बाप भी तुझसे दुकान खाली नहीं करा सकता। यार तू एक काम कर, ये देख के एग्रीमेंट खत्म होने में टाइम कितना बाकी है। यार मैं तुझे लाकर दिखा दूंगा, तू खुद देख लेना, तुझे पता है मुझे लिखना पढ़ना तो आता नहीं। यार कैसी बात कर रहा है, माशाल्लाह से तेरी बेटी पढ़ी लिखी है, कॉलेज जाती है उससे पढ़वा लेना यार। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, तनवीर भी तो पढ़ सकती है ना। ठीक है आज मैं एग्रीमेंट पढ़वा लूँ, उसके बाद तुझे बता दूंगा। यार आज नहीं, आज मुझे शादी में जाना है, 2-3 रोज बाद रख ले। चल फिर ठीक है, मैं कुछ रोज बाद बता दूंगा। यार एक बात बता, जब तक तेरा ये मसले का हल नहीं होता तो करेगा क्या? यार इस बारे में मैंने अभी सोचा नहीं, अभी तो उस दुकान को हासिल करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यार चाय तो ला दे भाई। तनवीर के अब्बा ऐसी बात नहीं है, बेशक दुकान को हासिल करना आपके लिए जरूरी है, लेकिन घर के अखराजात को पूरा करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अब ऐसी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो खुदा ना खास्ता कहीं घर में फाके ना पड़ जाएं। तो क्या करूं, फुटपाथ पर औजार लेकर बैठ जाऊं, सारा दिन धूप में जलकर खून पसीने के कमाए पुलिस वालों को भत्ते के नाम पर दे दूं, और उसके बाद भी जब उनका दिल चाहे तो उठाकर सड़क पर फेंक दे या फिर मुझे थाने ले जाकर बंद कर दे। तुम्हें अंदाजा नहीं है नईमा बेगम कि फुटपाथ पर बैठे हुए मैकेनिक की क्या औकात होती है। औकात, औकात तो उन लोगों की होती है जिनकी जेब में पैसा होता है, और पैसा काम करने से ही आता है। आपको जो करना है आप करें, लेकिन घर के अखराजात पूरा करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तुम कहना क्या चाहती हो, क्या मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ? 2 दिन नहीं हुए मुझे घर बैठे हुए कि मुझे ताने देना शुरू कर दिए तुमने। ओफो, मैं आपको ताने कब दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ। बस बस मैं सब समझता हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अनपढ़ जरूर हूँ लेकिन जाहिल नहीं हूँ, समझी? ये मुझे समझाने के लिए मुश्किल वक्त में तो कोई साथ नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अबे कोई काम वाम नहीं है तेरे पास? हाँ वो बस रहीम भाई की गाड़ी है, लेकिन इसमें शायद क्लच प्लेट का काम है, तो मैंने कहा आप खुद ही आकर देखेंगे, अगर मैंने हाथ दिया तो उल्टा सीधा हो जाएगा कुछ। बहुत बड़ा काम चोर है तू भी,
काम में घुसेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, और अगर आज उल्टा करेगा तो कल सीधा भी तो तू ही करेगा। चल पटरा दे और सामान पकड़ा। अब्बा पटरा छोड़ो, ये लिफाफा पकड़ो, आपके लिए आया था, आप घर पे थे। क्या हुआ अब्बा, सब खैरियत तो है? सब खैरियत ही है, कोर्ट से समन आया, परसों अदालत में बुलाया। अब्बा ये तो गले की हड्डी बनता जा रहा है, आप इसकी हड्डियां क्यों नहीं तोड़ देते? अबे तोड़ दूंगा, हड्डियां भी तोड़ दूंगा इसकी, बड़ी मुश्किलों से जमानत हुई है, और मैंने सोचा था कि मामला जरा ठंडा हो जाएगा तो इसके ताजिए भी ठंडे हो जाएंगे, लेकिन अब इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। इस बार मेरी जंग है खुद अपने आप से, इस बार मेरे हारने का इम्कान है बहुत। शब्बीर ने सरफराज पर केस करके ऐलान जंग कर दिया था। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना हर एक का हक है, यह अलग बात है कि उसको यह हक मिलता है या नहीं। सरफराज भी खामोश बैठने वालों में से नहीं था, लेकिन इत्मीनान की बात यह थी कि जहां शब्बीर के दुश्मन बने थे वहां उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे। यार यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे इस बात का पहले ही अंदाज़ा था, सरफराज के लिए कोर्ट कचहरी कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था अदालतों में भी हकायक को घुमाया जाता। यार मेरा वकील ही ढीला है, उसका वकील तो हर बार एक नया बहाना करके तारीख बढ़वा देता है, और मेरा वकील बगले झांकता रहता है। हाँ यार तू सही कह रहा है, मैंने तो सोचा था एग्रीमेंट के बेस पर दो तीन पेशियों पर तेरे हक में फैसला हो जाएगा, मुझे क्या मालूम था मेरी वजह से तो मुसीबत में फंस जाएगा। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तूने मुझे अपनी तरफ से अच्छा मशवरा दिया था, अब अगर मैं ही महंगा वकील नहीं कर सका तो तेरा क्या कसूर है? यार एक बात सच कहूँ, मुझे तो लगता है अदालत तेरे हक में कोई फैसला नहीं सुनाएगी, कुछ महीनों में तेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। मेरा एक मशवरा मान, केस वापस ले ले, और जितना खर्चा तू वकीलों पर कर रहा है अपने घर वालों पर कर, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दे यार, अल्लाह पाक कोई ना कोई असबाब बना देगा। नहीं असद, मैं हार तो सकता हूँ लेकिन हार नहीं मान सकता, अब जो होगा देखा जाए। अरे शब्बीर भाई कहाँ जा रहे हो? कोर्ट चलें, मैं छोड़ देता हूँ। फिलहाल तो मेरा रास्ता छोड़ दो और हो सके तो दुकान पे। एक काम करो और ये देख छोड़ो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें दुनिया ही छोड़नी पड़ जाए। मैं इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूँ, लगता है कि तुम डर गए हो केस के हार जाने से। हिम्मत है तो जाकर अदालत में अपने आप को सही साबित करो। अबे भाड़ में क्या तेरा ये सही और गलत, सरफराज किसी से डरता वरता नहीं है, अब देखते रख क्या हाल होता है। शब्बीर भी किसी से नहीं डरता। बस उमर बेटा बस, इसके लिए इतनी खुराक काफी है। कहते हैं कि जब मुश्किल आती है तो चारों तरफ से आती है, ऐसे में कुछ लोग अपने औसान पता कर लेते हैं और कुछ ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी ये फैसला होना बाकी था कि शब्बीर और उसके घर वाले अपने औसान पता करते हैं या फिर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं।
कहाँ जा रही है बेटा? आता हूँ, एक काम से जा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुझे क्या काम याद आ गया है। देख तनवीर, तुझे मेरी जान की कसम है, अगर तू उनके मुंह लगी बेटा, वो बहुत जलील लोग हैं बेटा, बहुत जलील लोग हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ये चाहते हैं कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? उन्होंने आप पे हाथ उठाया तो उठाया कैसे? जब तक मैं उनके हाथ नहीं तोड़ दूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। नहीं तनवीर नहीं, देख मैंने तुझे अपनी जान की कसम दी बेटा, अगर तूने उनसे उलझने का सोचा भी तो तू मेरा मरा हुआ अबू। अल्लाह ना करे। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वो ना करूं जो मुझे करना चाहिए तो ठीक है, सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैं ये कड़वा घूंट भी पीने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप ऐसी बातें ना करें। मेरा बेटा, और अच्छा बेटा है तुम। देख उमर, मुझे अभी भी डर लग रहा है यार, तू संभाल लियो। देख अगर इतना डरेगा तो सीखेगा कैसे? जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा कर, आहिस्ता आहिस्ता कलच छोड़ियो और आहिस्ता आहिस्ता रेस दियो, ठीक है? चल शाबाश, बिस्मिल्लाह कर। यार तू भी मेरे साथ बैठ जाना यार। ये ले, बैठ गया, बस अब मार के कलच दबा, गियर मार। अबे अबे ब्रेक दबा, अबे गधे पैर से क्यों रोक रहा है, ब्रेक दबा। बेटा तुम क्या, आप कमरे में आने की इजाजत लेनी पड़ेगी तुम्हें, आओ बैठो बेटा। अबू मुझे आपसे एक बात करनी है। बोल मेरी जान, क्या बात है? अबू मैं सोच रहा था जब तक दुकान वाला मसला हल नहीं हो जाता मैं कोई काम वाम कर लूं। नहीं बेटा, अभी तुझे सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देनी है। मैं अभी जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे इस बात के लिए कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझा? समझ गया, सब समझ गया। आप सिर्फ अपना बेटा मुझे कहते हैं, समझते नहीं हैं। आज अगर मेरी जगह आपका कोई बेटा होता तो शायद उसे आप दुकान पर अपने साथ ले जाते। और ये कैसी बातें कर रही है बेटा, मैंने तुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा और इसीलिए मैंने तुझ पर कभी कोई रोक टोक नहीं की। मैंने वही आजादी दी जो बाप अपने बेटों को दिया करता है। और रही बात काम की इजाजत की, तो बेटा तेरे लिए पढ़ाई काम से ज्यादा जरूरी है। एक बार तो पढ़ाई मुकम्मल कर ले, बस उसके बाद जो जी में आए तू कर। और सुन, ये बात मैं अपनी बेटी से नहीं, बेटे से कर रहा हूँ। अब्बू मैं आपसे ये कब कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ? पढ़ाई करते हुए भी तो काम कर सकता हूँ ना। अगर बचपन से लेकर आज तक आपको काम करते हुए देखा है कुछ तो सीखा ही होगा ना। जो कुछ तूने सीखा है ना बेटा वो काफी नहीं। जिस तरह नीम हकीम इंसान के लिए खतरे जान है ना, इसी तरह अनाड़ी मैकेनिक काम का और सत्यानाश करता है। अगर मैं सिर्फ उसी काम में हाथ डालूं जिसका मुझे पता हो तो? तू चाहती क्या है बेटा? इजाजत, मैं सिर्फ आपकी इजाजत चाहता हूं, वो करने की जो मैं करना चाहता हूं। इजाजत? अरे बेटा वो तो पहले ही तेरे साथ है। मुझे यकीन है कि तू कोई काम गलत नहीं करेगी और सही काम करने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। जो तुझे बेहतर लगे वो तू कर। और सुन, जब कभी मेरी जरूरत हो ना मैं हाजिर। आपकी सिर्फ दुआओं की जरूरत है। बेटा जो चीज पहले ही तेरे साथ है उसे क्यों मांगती? मेरी हर सांस में तेरे लिए दुआएं हैं। जा एक गिलास पानी लेकर। अभी लाया। अगर इंसान में कुछ कर दिखाने की हिम्मत हो तो वो आंधियों में भी चराग जला सकता है। तनवीर ने घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर लिया था, लेकिन इसके लिए जो उसने राह चुनी थी वो जमाने से निराली थी।
हाय तनवीर, ये क्या कर रही है तू? किसी कबाड़िए को बेचने का इरादा है क्या इसको? नहीं अम्मी, मैं क्यों बेचने लगा अबू की पहली बाइक को? बस तुम देखती जाओ मैं इसका करता क्या हूँ। इसकी शक्ल ना बदल दी ना तो तनवीर नाम नहीं है मेरा। अरे बेटा, बाइक चलती का नाम गाड़ी होता है, और ये तो खटारा है, इसे खटारा ही रहने दे। सही कहा तुमने, चलती का नाम ही गाड़ी होता है। जब ये चलेगी ना सब कहेंगे वाह क्या गाड़ी जा रही है। अजीब सनकी किस्म का लड़का, ओफो तुम्हारी हरकतें देख देख के ना अब लड़की भी मुझे लड़का लगने लगी है। बाइक चलाना सीख जाएगी, कोई नहीं सीखेगा तो तू। लगता है तुझे सिखाते सिखाते मैं बाइक चलाना भूल जाऊंगा। अबे 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 ये देख मुझे बाइक चलाना आ गई, मैंने कहा था ना मैं सीख जाऊंगा। अबे रोक के कहां जा रहा है? अबे कदे रोक, नहीं लगी इतनी, चलो। नहीं तनवीर नहीं, देख मैंने तुझे अपनी जान की कसम दी बेटा, अगर तूने उनसे उलझने का सोचा भी तो तू मेरा मरा हुआ। अबू अल्लाह ना करे। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वो ना करूं जो मुझे करना चाहिए तो ठीक है, सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैं ये कड़वा घूंट भी पीने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप ऐसी बातें ना करें। तुम? अबे ये कौन है? तनवीर। तनवीर? पर ये तो कहीं से भी लड़का नहीं है। अबे लड़की ही है। लेकिन तनवीर तो लड़कों का नाम होता है ना? अबे लड़कियों का भी होता है, जैसे कौशल लड़कों का होता है लड़कियों का भी। अच्छा, गए दिनों का सुराग लेकर कहां से आया, किधर गया वो अजीब मानूस? अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। उमर तनवीर को बाइक चलाता देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का हैरान होना बाकी था। बॉस हैरियत तो है? हाँ, पता ही नहीं क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? हाँ देख लो, अगर कुछ कर सकते हो जरूर कर दो, बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी की क्या बात है, 200 रुपए होंगे। हाँ हाँ ठीक है, आप देखो तो सही। शुक्रिया। क्या हुआ बॉस,
कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, दो दो सौ रुपए। क्या करूं, क्या मतलब? तू नहीं आ रहा? नहीं मैं नहीं आ रहा। पागल मत बन, आ जा। मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं आ रहा। देख शब्बीर, जो उसने किया वो उसका ज़र्ब था, तू अपना ज़र्ब दिखा। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे यार, इंसानियत के नाते आज नहीं परसों स्वयं के दिन ही आ जा। ठीक है मैं सोचता हूँ। ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। अब पता क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है? पता मुझे क्या पता, मैं कोई मैकेनिक हूं क्या? क्या हुआ भाई, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? देखिए पेट्रोल तो बहुत है, पता नहीं स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। मैं कर दूं? हाँ यार कर दे भाई, मेहरबानी। कितने पैसे दोगे? मेरे पास तो 100 रुपए हैं। ये तो बहुत कम है। एक काम करो, यहाँ से सीधा सीधा जाओ, 1-2 किलोमीटर पे कोई ना कोई मैकेनिक तो मिल जाएगा। ओ भाई 20-30 में मेरे पास भी कर दे यार, आ जा। चल बेटा तू भी क्या याद करेगा, लाओ दो 130 रुपए, अभी बाइक स्टार्ट कर देता हूँ। पहले स्टार्ट तो करो, ऐसे ही पैसे। पैसे निकाल। पैसे मिले? पैसे ये क्या बगर रहती है, छोड़ मेरा हाथ वरना हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। अबे दे दूंगा? अबे आवाज और अंदाज तो अच्छी हो, पर अल्फाज सही क्यों? पता नहीं तो छोड़ मुझे। अबे छोड़, अबे चल, छोड़ो मेरा हाथ, बोला तुम दोनों की जान ले लूंगा, छोड़ो मेरा हाथ। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं, आइए एक बार फिर से देखते हैं। क्या हुआ बेटा? मुझे बताओ।
मना करता था ना तुझे, गाड़ी आहिस्ता चलाया कर, नहीं मानी तूने किसी की, नहीं सुनी। अल्लाह तुम्हें सब्र दे मेरे भाई, सब्र करो सरफराज, सब्र करो। शब्बीर भाई मुझे अब सब्र नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए मुझे सकून। मैंने कितने लोगों को तंग किया, सताया, आपको भी बहुत परेशान किया, मुझे मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। और तभी बहुत छोटा था, उम्र क्या थी इसकी, अभी 3 दिन हुए से जुदा हुए हुए। हिम्मत कर मेरे भाई सरफराज, हिम्मत कर। सारे गुनाहों की सजा इसे क्यों मिली? शब्बीर भाई इसने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया, मुझे उठा लेता मेरे अल्लाह कि मुझे जवान बेटे को कांटा बना दिया। हिम्मत कर सरफराज, हिम्मत कर, अल्लाह के सामने हम सब बेबस है मेरे भाई, सब्र कर, सब्र कर मेरे भाई। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई थी, काश काश ये बात मेरे पहले समझ में आ जाती। माफ कर दो मुझे शब्बीर भाई, माफ कर दो मुझे सरफराज, मेरा भाई, मेरा भाई सरफराज, मेरा भाई सरफराज, सब्र कर सरफराज, सब्र कर, अल्लाह तुझे सब्र दे। चलो फातिहा पढ़ो, उसकी बख्शिश के लिए जितनी दुआ मांगो कम है, उसकी मगफिरत के लिए जितनी दुआ मांगो कम है। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं बहुत मुतमईन हूँ। अब तनवीर को सड़कों पर काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, सरफराज भाई ने मुझे अपनी दुकान हमेशा के लिए वापस कर दी। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ भाई शहजादे, कॉलेज 70 में जाओगे या 125 में? वैसे तो 70 भी चलेगी, अगर 125 मिल जाए तो। तौबा है, आप भी ना पता नहीं बेटी को क्या बनाना चाहते हैं। ये बेटा है, बेटा मेरा, बेटा। बिगाड़ दिया आपके लाड प्यार ने से। अल्लाह इसे हमेशा खुश। रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा रब हमारी सकत को खूब जानता है। हर खिजां के बाद बहार और हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। जो सबर के साथ काम लेते हैं उनके साथ वही मामला होता है जो शब्बीर के साथ हुआ, और जो सरफराज की तरह होते हैं उनके साथ कभी कभी